ओके गुड इवनिंग गाइज आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी एक बार आप लोग कंफर्म करो यस सर ओके मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को ठीक सर। सर। है ओके 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 अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूं और आज का जो हम लोगों का सेशन है उसको हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ओके <coughs> okay, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है जहां पे हम लोग स्टॉक मार्केट का बेसिक्स कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं पास्ट uh, के जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं अगर आपने नहीं देखा वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे पास्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस क्या होता है ट्रेंड क्या होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है सारी चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कैसे इसको यूज़ करना होता है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताया फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में भी बताया था कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो चीज़ें हम कैसे पहचानें उसके बाद का लास्ट लेक्चर में मीन सैटरडे के दिन हम लोगों ने सीखा एडवांस कैंडलिस्टिक्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं लाइक हैमर हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार बेरिस इन गल्फिंग बुलिस इन गल्फिंग उस पर कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बताया था आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न पे आज का लेक्चर टोटली चार्ट पैटर्न पे बेस्ड होगा सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होता है और इतने सारे चार्ट पैटर्न्स पता होने के बाद भी आखिर एट द एंड प्रॉफिट क्यों नहीं होता उसके पीछे क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है ठीक है तो मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न से बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly कैसे ट्रेड में एंट्री करना है और कैसे एग्जिट करना है तो वीडियो को आप लोग आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा फिर हम लोग कल सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है फिर इंट्रा ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसके बाद जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है फेबोनाची ट्रेडिंग जो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि फेबोनाची बहुत बढ़िया है जिसको अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो सीख जाते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को यूज़ करके ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर पाओगे फिर हम लोग लास्ट में सीखेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग अब हार्मोनिक ट्रेडिंग हम लोग का थोड़ा एडवांस प्राइस एक्शन है वो सब चीज़ें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला वो किस पे होने वाला है चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं उस पर ठीक है तो एक बार आप लोग मुझे बता दो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताया हूँ सब लोगों को क्लियर है अच्छे से यस और नो एक बार आप लोग जल्दी से बताओ अभी तक ठीक है ओके सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है तो हम लोग डायरेक्टली चार्ट पैटर्न को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ठीक है एक बार मैं यहाँ से चार्ट पैटर्न का पी खोल लेता हूँ और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्नस है लाइक देखो मैंने आप लोगों को कैंडल में क्या सिखाया था कि कोई भी बुलिस कैंडल्स पर अगर आपको ट्रेड करना है तो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है पहला इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बुलिस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं ध्यान से समझना चार्ट पैटर्न में भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है अगर हम लोग किसी बुलिस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर ट्रेड करने से पहले हमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ देखना होता है कि बुलिस के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए वो कैंडल स्टिक सपोर्ट पर बनना चाहिए और उस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग या एक ग्रीन कैंडल या बुलिस कैंडल हमें दिखना चाहिए कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ यहाँ पर बायर एक्टिव है तब जाकर हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड का प्लान करेंगे अगर ये तीन कंडीशन हमें नहीं दिखती है तो हम लोग किसी भी बुलिस कैंडल पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे सेम यहाँ पे बेयरिस साइन में भी होता है अगर आप कोई बेरिस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस के पास होगा आपका बेयर कैंडल तभी वो वर्क करेगा तो उसके लिए पहला हमारे अप ट्रेंड चाहिए तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए दूसरा ये बेरस कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए तीसरा इसके बाद का बियर कैंडल हमें यहाँ पे दिखना चाहिए ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा तभी हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे और ये रेड कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि हाँ यहाँ पे सेलर एक्टिव है नहीं तो शूटिंग स्टार बनेगा उसके बाद का के कैंडल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया समझ जाओ यहाँ पे एक्टिव सेलर नहीं है मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा अगर आप नीचे के साइड का ट्रेड में एंट्री करोगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम लोगों को फॉलो करना है फिर ही जाकर हम लोगों को किसी भी कैंडल्स पर ट्रेड करना है ओके okay, तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स कि चार्ट पैटर्न्स क्या होता है तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है अ चार्ट पैटर्न इज अ अफ डेट हेल्प टू सजेस्ट प्राइस माई डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन दे हैव डन इन पास्ट मतलब हम लो, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पास्ट में एक बार इधर से प्राइस नीचे की तरफ आया तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में अगर अभी इधर को आया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है और हम लोग ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख बोल रहे हैं तो चार्ट पैटर्न भी कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न प्री डिफाइन किए गए हैं कि वो जब मार्केट में बनते हैं तो उस पास्ट में जो बना था ना उसका जो रिजल्ट आया था सेम एज इट इज़ रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी भी मार्केट देगा अगर फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर फिर अगेन नीचे फिर थोड़ा ऊपर अब मान लेते हैं कि ये कोई चार्ट पैटर्न बना कोई भी रैंडम सा चार्ट पैटर्न मान लेते हैं ठीक है मान लेते हैं ये हमारा और यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो यहाँ से मार्केट क्या किया फॉल कर एक तारीख का चार्ट है अब दो तारीख को क्या हो रहा है सेम ऐसा ही एग्जाम्पल बन रहा मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे फिर थोड़ा ऊपर फिर अगेन ऊपर तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ सेम एक तारीख जैसा सिचुएशन बना ओके यहाँ पे क्या हुआ सेम एक तारीख जैसा सिचुएशन बना है अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा वापस से नीचे आएगा अब यहाँ पे इसका मार्केट अगर ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा और ये चीज हम लोग क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं पास्ट में जब ये सेम चार्ट पैटर्न बना था तो यहाँ से मार्केट प्रेडिक्ट किए थे कि यहाँ से मार्केट नीचे गया तो ये चीजें इतनी बार रिपीट हो गई है ना मार्केट में कि एक तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा ना तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप नीचे का ट्रेड में एंट्री कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं हम लोगों को चार्ट पैटर्न समझना है चार्ट पैटर्न्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि, कि कितने तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं किसकी अच्छी एक्यूरेसी होती है किसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बट सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि चार्ट पैटर्न का मतलब है कि अगर वैसा चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है तो पास्ट में जब बना था तो उसका क्या रिएक्शन आया था उसको देखकर हम लोग अभी का प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चार्ट पैटर्न का अभी हम लोग देखते हैं कितने तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं ऐसे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे लेकिन जो जिसकी थोड़ी अच्छी एकूरेसी और जो मैक्सिमम टाइम बनता है उसमें टोटल यहाँ पे आठ चार्ट पैटर्न मैंने मैंशन किया है ओके अब ये आठ चार्ट पैटर्न कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देखो सबसे पहला है डबल टॉप चार्ट पैटर्न ठीक है सेकेंड नंबर पे है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखो ये चार्ट पैटर्न्स हेड एंड शोल्डर हैमर्स हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक ये सारी चीज़ें सबको पता होती है एकदम हंड्रेड वन परसेंट जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग जो बेसिक सीखता ना यही चीजें सीखते हैं ये सबको पता होती है लेकिन इस चीज़ों को लोग इतना बेसिक समझ लेते हैं कि उनको लगता है कि इस पर प्रॉफिट ही नहीं होगा पहला तो ये चीज़ें और दूसरा उनको सही तरीके से ये चार्ट पैटर्न को यूज करना नहीं आता है उनको बस बता दिया है कि ये डबल टॉप है है ऐसा ऐसा होगा तो आपको इस पे ट्रेड करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पे कब ट्रेड करें कब नहीं करें ब्रेकआउट होगा तब करें नहीं करें वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं तो चार्ट पैटर्न को भी यूज़ करने का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम लोगों को फॉलो करना है उसको आप लोग ध्यान से समझना तो कितने चार्ट पैटर्न्स है यहाँ पे देखो डबल टॉप है डबल बॉटम है फिर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रैंगल है डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न सिमेट्रिकल और रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल में भी रेक्टेंगल के दो टाइप्स होते हैं एक बुलिस रेक्टेंगल और एक एरिस रेक्टेंगल वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा तो अभी हम लोग क्या करते हैं एक एक करके चार्ट पैटर्न को समझते हैं उसका प्रॉपर एक एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट पे कि हाँ वो चार्ट पैटर्न जब बना तो उसका क्या रिएक्शन आया कैसे हम लोग एंट्री एंड टारगेट वहाँ पे डिसाइड करेंगे तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है डबल डबल टॉप टॉप चार्ट चार्ट पैटर्न पैटर्न तो पहले देखते हैं कि कैसा बनता है उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल एक बार चार्ट पे देख लेंगे बट एक बार मुझे आप लोग ये बताओ कि चार्ट समझ में आया क्या होता है चार्ट का पैटर्न चार्ट पैटर्न मतलब क्या होता है बेसिक चीजें समझ आई और नो जल्दी से बताइए आप लोग yes, yes, थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट रिस्पॉन्स किया कीजिए ठीक है सबसे पहले अब हम लोग सीखते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न अभी देखो डबल टॉप दिखता कैसा है नाम में ही छुपा हुआ डबल टॉप डबल टॉप मीन्स दो इसके टॉप होंगे अब दो टॉप कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ ऊपर की तरफ गया और इसने क्या किया मार्केट ने हाई लगाया तो ये मार्केट का क्या हुआ फर्स्ट टॉप हुआ ओके अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो इसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं या चार्ट पैटर्न के टर्म्स में इसको हम लोग नेकलाइन भी बोल सकते हैं जब वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने क्या किया इक्वल टॉप बनाया, ये बना दूसरा टॉप ये बना तो यहाँ पे क्या हुआ दो टॉप बन गए तो इसे हम कहते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न और डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बेरिस चार्ट पैटर्न होता है ध्यान से समझना डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बियर चार्ट पैटर्न होता है तो जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से क्या होगा जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा ओके इसे हम कहते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न जिसका पोटेंशियल डायरेक्शन नीचे की साइड होता है और ये हमेशा क्या करता है सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड जाता है तो अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे चार्ट पे देखेंगे कि हाँ जब डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना तो मार्केट में क्या रिएक्शन आया ठीक है ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पे अब इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखो अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना चार्ट पैटर्न्स हो फेबोनाची हो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस हो ये सारे के सारे चीज़ है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है ऐसा मत समझना कि ये अलग हुआ ये अलग हुआ अगर आप उसको अच्छे से मिक्स करके देखोगे ना तो आपको लगे कि हाँ यार जो चार्ट पैटर्न का टारगेट आ रहा है ना और जहाँ से वो रिवर्स करने वाला है वहाँ पे फेबोनाची का एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेबल आ रहा है जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है वो जब मैं आपको फेबोनाची बताऊँगा तो समझ में आएगा अभी हम सिर्फ क्या करते हैं ना आ, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे फोकस करते हैं और प्लस चार्ट पैटर्न पे फोकस करते हैं अभी देखो हम लोगों ने क्या सीखा डबल टॉप चार्ट पैटर्न अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न का क्या मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया मार्केट ने क्या किया कि ये मार्केट ने यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉप बनाया ओके okay? तो इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारा पहला टॉप है फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे निकलाइन निकलाइन बोले तो सपोर्ट भी बोल सकते हैं या निकलाइन भी बोल सकते हैं फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया इसे हम कहेंगे सेकेंड टॉप ओके अब यहाँ पे ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो हमारा फर्स्ट टॉप है और प्लस ये जो हमारा सेकेंड टॉप है ये इक्वल हो ये कोई मैंडेटरी नहीं है

अब यहां पे ध्यान से समझना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना इस नेकलाइन को मार्क करते हैं प्रॉपर तरीके से ओके तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक बार नेकलाइन को मार्क कर देता हूँ जस्ट अ सेकेंड इसको मैं ऊपर की साइड रखता हूँ ठीक है अब जो हमारा नेकलाइन है उसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ये रहा हमारा नेकलाइन ओके इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ये चार्ट है पाँच जनवरी का ठीक है एक मिनट रुक जाओ हम लोगों को देख रहे थे फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पे ओके okay? कब का चार्ट था पाँच जनवरी का गाँ ठीक है अभी यहाँ पे वही सेम एग्ज़ाम्प है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया या मार्केट ने फर्स्ट टॉप बनाया फिर आगे नीचे ये इसका निकलाइन था मार्केट गया सेकंड स्टॉप बनाया अब यहाँ से मार्केट फॉल किया तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम लोग कैसे एंट्री एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस अपना डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो हमारा निकलाइन है ना उसको मार्क करते हैं तो ये हमारा क्या है निकलाइन का लेवल है ओके ये हमारा इंपॉर्टेंट निकलाइन है अब यहाँ पे समझो हमारा फर्स्ट टॉप कौन सा है ये हमारा फर्स्ट टॉप है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट टॉप ओके यहाँ से मार्केट फॉल किया ये हमारा नेकलाइन सपोर्ट लिया ऊपर ये हमारा सेकेंड टॉप ओके मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा क्या बेर चार्ट पैटर्न है अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट इसका क्या करेगा ब्रेक डाउन करेगा अब एक चीज हमेशा याद रखना ये जो हमारा चार्ट पैटर्न है ना तो ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है ठीक है चार्ट पैटर्न के हिसाब से निकलाइन कहेंगे नो प्रॉब्लम बट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है अब अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन के रूल्स हैं उसको भी यहाँ पे हम लोगों को फॉलो करना है अब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं वो क्या करते हैं ब्रेकआउट के रूल्स पढ़ तो लिए हैं लेकिन वो चार्ट पे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो उसको पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है ब्रेकडाउन के रूल्स को फॉलो करना है क्योंकि अगर डबल टॉप बन गया इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहां से फॉल कर ही जाएगा हो सकता है कि मार्केट मैक्सिमम को पता है कि इसका जब करेगा तो यहां से मार्केट क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फॉल्स दिया और आपको यहाँ पे ट्रैप कर लिया तो आपको अगर उस चीज से बचना है तो आपको क्या है यहाँ पे जो मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है ना इस जगह पे आपको ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करना है ठीक है तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ ब्रेकडाउन किया इस लेवल को रीटेस्ट किया ठीक है इस लेवल को मार्केट ने क्या किया रीटेस्ट किया और यहाँ से किया तो आप ब्रेकडाउन के बाद इस जगह पे भी एंट्री कर सकते हो आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी एंट्री कर सकते हो या फिर रीटेस्ट का वेट करके आप इस जगह पे भी एंट्री कर सकते हो तो हम लोगों को समझ में आया क्या है कि ब्रेकआउट के रूल्स को इधर फॉलो करना है अब हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे तो जो हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है ना उसका जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या करता हूँ ना शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ ठीक है तो हम हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने वाले क्योंकि हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे और जो हमारा हाई है जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके नीचे का कैंडल का जो इम्बैलेंस एरिया है ना वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टॉप लॉस अपना डालते हैं तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस अभी देखो हम लोग अपना टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे अब देखो टारगेट डिसाइड करने का सिंपल सा लॉजिक है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना हमारे नेक लाइन और हमारे टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे की साइड टारगेट होगा ठीक है जो हमारा नेकलाइन या इसको सपोर्ट बोलो जो भी आपकी मर्जी है और जो हमारा फर्स्ट टॉप है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे की साइड टारगेट होने वाला है ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मेज़र करेंगे कि हमारा यहाँ पे इस दोनों के बीच में कितने पॉइंट का डिस्टेंस है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक बार मेज़र करके देखता हूँ यहाँ पे टोटल जो पॉइंट्स आ रहे हंड्रेड पॉइंट्स का आ रहा तो अभी मैं क्या करता हूँ ब्रेकडाउन के बाद जहाँ पे इसका हंड्रेड पॉइंट आ रहा ना वहाँ तक मैं इस लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को रख देता हूँ ठीक है यहाँ पे देखोगे तो वन जीरो वन मतलब हंड्रेड पॉइंट्स यहाँ पे डन हो गया अब मैं इसको क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो इसका लो पॉइंट बन रहा है इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा क्या होगा टारगेट होगा अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस टारगेट को नीचे की साइड आकर हिट किया है ठीक है अब इस चार्ट को ध्यान से देखो समझो चार्ट को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया मार्केट ने री किया यहाँ से शार्प फॉल थोड़ा ऊपर के जाके टाइम वेस्ट करके फिर मार्केट ने इस टारगेट को यहाँ पे हिट कर दिया ठीक है अब चार्ट पैटर्न को यूज करने से पहले एक चीज और याद रखना अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करने वाला है ठीक है अब अगर इस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग अगर कोई सपोर्ट आ गया या आ, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग लेवल आ गया 88 का या 50 से लेकर 60 के बीच का जोन का आ गया तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना अब आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से इस टारगेट का इधर को वेट नहीं करोगे क्यों क्योंकि बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया मार्केट हो सकता है इधर ही से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ घूम जाए और आप इस टारगेट के चक्कर में जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी भूल जाओ तो आपको यहाँ पे क्या करना है जो भी आपने चार्ट पैटर्न पे एंट्री किया है तो जब मार्केट यहाँ से फॉल करे अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट आ रहा है आपको पता है कि ये सपोर्ट है स्ट्रांग आपने पास्ट में देखा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो आप क्या करोगे यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लोगे अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है रिटेस्ट करता है फिर आप इस लेवल अपने नीचे वाले टारगेट के लिए ट्रेड में एंट्री कर सकते हो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखना बहुत सारे लोग चार्ट पैटर्न्स पे इसी वजह से ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि उनका टारगेट उनको प्रॉपर नहीं मिलता है आधा टारगेट मिलता है और पूरा लेने के चक्कर में वो हाफ टारगेट को भी भूल जाते हैं ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ तो अभी यहाँ पे हम लोगों को समझ में आए कि एग्जेक्टली exactly चार्ट पैटर्न पर हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड में एंट्री करना है अब यह फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ था ठीक है ये मैं क्या बता रहा था फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करने लेकिन जब आप किसी स्टॉक्स में ठीक है या फिर इंडेक्स में ही अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट को वहां पे लगा रहे हो तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिस कैंडल बनेगा रेजिस्टेंस पे और बहुत ही स्ट्रॉग बेरिस कैंडल बनेगा तो उधर को आपको जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग जो है ना ये देखना ही है आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपने वीकली पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख लिया है तो डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट पे एंट्री कर लो तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी नहीं कि अब हर जगह ब्रेकआउट के रूल्स को हम लोगों को फॉलो ही करना है 15 मिनट 5 मिनट 30 मिनट ये सब जगह पे आप लोगों को रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना है लेकिन इसके अलावा जो है ना वहाँ पे ये कोई मैंडेटरी नहीं है अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा आपको उस पर कॉन्फिडेंट है तो एक बेरिस कैंडल देख भी आप वहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो तो ये हमारा पहला चार्ट पैटर्न था डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो कि एक बेरिस चार्ट पैटर्न होता है अब ये इतना सारे चार्ट पैटर्न्स पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग सीख लो इस कॉन्सेप्ट को अब सारे चार्ट पैटर्न पे आपको फॉलो करना कोई डिफरेंस ही नहीं है अभी मैं आपको फिर भी एग्जाम्पल दिखा दूंगा सबके ताकि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाए बट आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट हुआ है क्लियर हुआ समझ में आया क्या एक चार्ट पैटर्न मतलब डबल टॉप चार्ट पैटर्न समझ आया समझ आया मैं भी सर टारगेट के लिए टेन परसेंट रिटर्न छोड़ दे रहा हूं और एंड में लॉस में एग्जिट करना पड़ता है जी यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ वो हाफ टारगेट लेने हाफ टारगेट लेते हैं और फुल टारगेट को वेट करने के चक्कर में हाफ़ टारगेट छोड़ देते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होगी नो no प्रॉब्लम सबके साथ होती है आपको थोड़ा सा उस सेटअप पर पहले बिलीव करना पड़ेगा अगर सपोर्ट है तो वहाँ पर आप एग्ज़िट करो सपोर्ट नहीं है तो फिर वहाँ पर आप क्या करो वेट करो अपने टारगेट का डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पर वन तो तो हाँ तो मतलब बार, बार, नहीं होता होगा या फिर ब्रेकडाउन करने के बाद दस में से दस बार मार्केट फॉल कर जाता है एक दो बार आपका ट्रेड छूट जाएगा कोई बात नहीं उस बार छोड़ दो लेकिन जब आपको मिल रहा है तब आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड में एंट्री करो ठीक है अब मार्केट आपको पता नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आप बस अपने सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो

बोल रहा हूँ सर निफ्टी में आपने दिखाया था ना सर हंड्रेड पॉइंट कैप्चर करने के लिए सर निफ्टी मतलब अगर एक दिन में बहुत ज्यादा मूव करे तीन सौ पॉइंट मैक्सिमम करता है ठीक है वो तो सर पचास सत्तर होगा उसके लिए अगर आ, कैप्चर करना पचास पॉइंट भी मिल जाए तो बहुत है हाँ बिल्कुल आप निफ्टी का मैं एग्जाम्पल दिया तो निफ्टी में ये ज्यादा हो गया सौ पॉइंट का टारगेट निफ्टी में आपको एटलीस्ट तीस पॉइंट चालीस पॉइंट पचास पॉइंट मैक्सिमम होता है एक टारगेट के लिए ठीक है ठीक है क्लियर हुआ यस सर, सर मेरा एक डाउट था सर वहाँ पे ठीक है एक एक करके बोलिए डाउट जी सर वो जो आपने फिफ्थ जैन का ब्रेकआउट था वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रहा है वो हैमर वाला तो ऐसे सिनारियों में एक्चुअली डबल टॉप के हिसाब से तो गिर रहा है ब्रेकआउट कैंडल के साइड वाला जो रिटेक्स बन रहा है वो ये कैंडल थोड़ा उस पार्ट को, हाँ जी सर वही बट यहाँ पे आप ये तो देखिए कि ये हमारा कोई सपोर्ट के लेवल पे नहीं बन रहा है, हैमर ये सपोर्ट के करने पे बन रहा है। अगर ये सेम कैंडल देखो यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर कैंडल स्टिक बना है क्यों क्योंकि ये हमारा सपोर्ट था तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ मूव आएगा लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया इसका ब्रेकडाउन करके अब बहुत सारे लोग इस हैमर में भी लॉन्ग ट्रेड किए होंगे क्योंकि उनका सपोर्ट एंड रजिस्टेंस गलत होता है अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करके रखेंगे तो ये उस तर, उस वक्त क्या करेंगे ना ब्रेक डाउन करा रीटेस्ट करा वहां से ये नीचे का ट्रेड करेंगे लेकिन जिनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गलत होगा उस इस हैमर को देखकर लॉन्ग ट्रेड करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मार्केट फॉल करेगा आपके स्टॉप लॉस को भी हिट करेगा और अगर आपने नहीं लगाया तो आपको बहुत बड़ा लॉस देगा इसलिए कहता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से आपको मार्क करना ठीक है जी सर है ओके तो अभी जो है ना मैं थोड़ा सा दूसरा चार्ट पैटर्न भी समझा देता हूँ बाकी आपके जितने डाउट्स हैं ना उसको हम लोग लास्ट में भी क्लियर करेंगे नहीं तो फिर डाउट्स ही क्लियर करते रह जाएंगे और हमारा टॉपिक छूट जाएगा ओके okay, अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है हमारा क्या डबल बॉटम चार्ट पैटर्न अभी हम लोगों ने सीखा डबल टॉप अभी ठीक उसका अपोजिट हम लोग सीखने वाले हैं डबल बॉटम अब डबल बॉटम बुलिस चार्ट पैटर्न होगा उसका ठीक अपोजिट है ठीक है अब यहाँ पे हमारा क्या होगा ये हमारा फर्स्ट बॉटम होगा मार्केट ऊपर जाएगा नेकलाइन या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इस कंडीशन में इसको क्या करेगा टच करेगा वापस से नीचे आएगा ये अपना क्या बनाएगा सेकेंड बॉटम बनाएगा वापस से ऊपर की तरफ अब ये जो रजिस्टेंस है मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लोग आप उन लोग स्टॉप लॉस डालेंगे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर की साइड टारगेट होने वाला है तो ये हमारा सिंपल सा क्या है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न अभी हम लोग क्या करते हैं एक बार डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है मैं देखता हूँ एच बैंक में मैंने देखा था कहीं पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक बार इसको मैं क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ ठीक है हमेशा याद रखना चार्ट पैटर्न जो है ना उसकी जो अच्छी एक्यूरेसी होती है वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे होती है पाँच मिनट पंद्रह मिनट पे चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी उतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे उसकी एक्यूरेसी होती है ठीक है मैं देखता हूँ यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे मैंने देखा था एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो उसके कहाँ तो गया ये रहा ठीक है अभी यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोगों को सपोर्ट एंड रजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करके रखना ही रखना है और प्लस जरूरी नहीं है कि जो हमारा बॉटम है वो एक्जैक्टली exactly मैच करें अब ये डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग इस चार्ट को देख रहे हैं अब इसको ध्यान से देखो मार्केट क्या हुआ यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया ठीक है तो ये हमारा क्या है प्रॉपर पहला सपोर्ट बना क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ अब ये हमारे लिए क्या है ये हमारे लिए नेकलाइन है क्यों क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल किया अब ये हमारा क्या बना सेकेंड बॉटम बना तो ये हमारा फर्स्ट बॉटम ये हमारा सेकेंड बॉटम ओके यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना थोड़ा सा चार्ट को जो है ना अच्छे से समझने की उसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो अभी देखो यहाँ से मार्केट फॉल किया ना ये मार्केट ने क्या किया लो बनाया ओके okay? फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया मार्केट ने यह हाई बनाया अब जब ये वापस नीचे की तरफ आया तो यह मार्केट ने लो बनाया अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझो मार्केट प्रीवियस लो के पास नहीं आ पाया ठीक है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रांग है बायर ज्यादा स्ट्रांग थे इसलिए सेलर इसको नीचे की तरफ नहीं ला पाए मार्केट इधर ही से क्या हो गया रिवर्स हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी हायर चांसेस है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगी ना तो इसका ब्रेकआउट करेगी ये चीज़ हम लोगों ने पता कहाँ पे लगाया ये चीज़ पता हम लोगों ने एग्जैक्टली बॉटम पे लगा लिया और यहीं पे क्या होता है फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया फिर थोड़ा ऊपर गया

बॉटम बनाया फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया ये हमारा क्या है ये हमारा नेक है ओके इस नेकलाइन को मैं क्या करता हूँ मार्क कर देता हूँ हमारा नेकलाइन मार्क फिर यहाँ सेम तो यह तो हो गया फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो अब यहाँ पे जब तक हमारा मार्केट इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे अब देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ गैप अप से और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया मतलब ये हमारा ब्रेकआउट क्या है एक तरीके से कंफर्म ब्रेकआउट है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करने है तो आप लोग इधर भी एंट्री कर सकते हो लेकिन हाइयर है स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्ट तो करता है लेकिन कम चांसेस होता है रिटेस्ट करेगा उसका भी आप पता लगा सकते हो कि मार्केट रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा बस थोड़ा सा ये समझना है कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ना तो उससे पहले वो फ्लो फ्लो में ब्रेकआउट दिया है या थोड़ा सा टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रुका कितने दिन एक दो तीन चार पाँच छः दिन मार्केट रुकने के बाद फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ मतलब अब यहाँ पे सारे बायर एक्टिव हो जाएंगे लेकिन अगर इसका अपोजिट थोड़ा सा देखें यहाँ पे मार्केट छः दिन रुका नहीं यहाँ पे क्या हुआ डायरेक्ट इसी टाइम क्या हुआ मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दिया तब हाइयर चांसेस नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि बायर को यहाँ पे डर लगेगा मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा फिर बायर स्ट्रांगली एक्टिव होंगे फिर यहां से मार्केट रिवर्स होगा तो ये थोड़ा सा चार्ट का साइकोलॉजी है कि कहां पे मार्केट रिटेस्ट करेगा और कहां पे रिटेस्ट नहीं करेगा वो पता करने का ओके okay. तो अभी हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया ओके आप लोगों की एंट्री भी इधर को बनेगी तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कितने पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे पहले मेजर करेंगे टॉप और बॉटम पे तो हम लोग क्या करते हैं इस बॉटम से लेकर टॉप तक डालते हैं टोटल कितने पॉइंट का हमारा टारगेट बन रहा है एट्टी सिक्स पॉइंट का ओके इसको मैं अब डिलीट कर देता हूं यहां पे मैं एक और लाइन मार्क करता हूं यहाँ पे एक जोन मार्क करता हूँ ये हमारा क्या प्रॉपर बॉटम है और ये हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस है ठीक है ये हमारा क्या प्रॉपर रेजिस्टेंस है अब ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न में 86 पॉइंट का है जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया चलो आपकी वहीं एंट्री बनेगी और यहाँ पे मार्केट ने आपके टारगेट को भी हिट किया है जो कि आपका ये फर्स्ट टारगेट है ठीक है अप्रोक्स हंड्रेड पॉइंट का तो मार्केट ने यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपके टारगेट को हिट कर दिया है अब इसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लॉन्ग पोजिशन लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी लॉन्ग पोजीशन लगेगी ठीक है मान लेते हैं कि इधर आपकी एंट्री हुआ आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा जो हमारा ब्रेकआउट या फिर जो हमारा लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है कोई बात नहीं लेकिन स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका टारगेट वन एस टू टू का तो फुलफिल करेगा ही देखो फोर्टी फाइव पॉइंट का स्टॉप लॉस और नाइन्टी टू पॉइंट का टारगेट मतलब वन एस टू टू तो यहाँ पे क्लियर है तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो मार्केट ने हिट किया है और आपका इसी कैंडल में देखो तो कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो यहाँ पे आपको टोटल एक सौ पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दे दिया है प्रॉपर इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से बट यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा साइकोलॉजी कि किधर एंट्री करना है और किधर एंट्री नहीं करना है यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर नीचे गिर गया तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक बार जब इसका ब्रेकआउट मिल गया ना तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे बायर आगे एक्टिव अब ये स्टॉक जाएगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे देखो फिर बहुत जल्दी आपका टारगेट भी मार्केट ने दे दिया चार पांच दिनों में तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न को स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो बस समझना है क्या है कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एंट्री नहीं करना है अब इस शूटिंग स्टार पे हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे इस शूटिंग स्टार को देखेंगे ये नहीं बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया हम लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे समझेंगे कि हाँ चार्ट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे कौन एक्टिव है बायर सेलर सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसको बाई करेंगे ठीक है तो आई होप अभी आप लोगों को ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी समझ में आ गया होगा तो अभी हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न सीखा पहला हम लोगों ने सीखा डबल टॉप और उसके बाद हम लोगों ने सीखा डबल बॉटम ठीक है ओके स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को मेरी वॉइस जा रही है यस सर यस सर सब कुछ क्लियर है ना ठीक है।, दिटा। है अभी तो क्लियर है ना सब लोगों को ठीक है तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न समझ में आया डबल बॉटम आपने बोला एंट्री कहां लेना है वो वॉइस कट हो गई थी एंट्री तो जहाँ पे बायर्स ड्रॉम या वहाँ पे एंट्री हो सकते हैं ना ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री करना है

थोड़ा अच्छा एक्यूरेसी है, है लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हो ये हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में क्या होता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया ये हमारा शोल्डर बनाया मान लेते हैं ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा ये हेड फिर अगेन नीचे आया ये निकलाइन सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ गया फिर यहाँ अब ऐसे चार्ट पैटर्न आपको बहुत कम देखने को मिलेगा चार्ट पे और जब देखने को मिलेगा भी उसमें टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती बहुत मैक्सिमम टाइम सॉरी बहुत मिनिमम टाइम बता रहा हूँ ये चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा प्रॉपर परफेक्टली और उस पर मेरे को ट्रेड में एंट्री किया तो उस पर मेरे को टारगेट मिला बहुत कम टाइम होगा ऐसा आप लोग इसको देख रहे होगा अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे काफी टाइम से तो आप लोगों को भी पता है कि हाँ ये चार्ट पे कितना बनता है और कितना बार ये हम लोगों का टारगेट को हिट कर पाता है ठीक है ये एक इंसान की बॉडी की तरह समझो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ठीक है दोनों शोल्डर हमेशा हेड के नीचे होगा यह हमेशा याद रखना अगर इक्वल हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न लेकिन ये अगर नीचे है ये भी नीचे है और हेड हमारा सबसे ऊपर है तो इसे हम क्या कहेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो कि एक बेरिस चार्ट पैटर्न होता है और यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा मींस नेकलाइन का जब नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तब हम लोग इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा नीचे की तरफ टारगेट होगा तो इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न लेकिन जब चार्ट में मिलेगा तो आप लोग एक बार देखना कि कितना बार इस पर टारगेट मिलता है या फिर कितना बार इसमें स्टॉप लॉस मिलता है बट तो लगाने का तरीका सेम है एंट्री करने का तरीका सेम है स्टॉप लॉस का तरीका सेम है टारगेट डिसाइड करने का तरीका सेम है ठीक है ये अगर हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करें तो ये हमारा एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जो कि नीचे आएगा यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर फिर अगेन ऊपर गया नेक लाइन वापस नीचे की तरफ आया हेड बना फिर वापस नेक लाइन को टच करके नीचे आएगा ये हमारा राइट शोल्डर बनाएगा और राइट और लेफ्ट शोल्डर हमेशा हेड के ऊपर होगा फिर जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा फिर आप यहां से ऊपर का ट्रेड लोगे और टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा तो ये हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है जो चार्ट पे बहुत कम टाइम्स बनेगा और जब बनेगा भी तो उसकी उतनी अच्छी एक्यूरेसी होती नहीं है बस मैं आपको नॉलेज परपज के लिए ये बता दिया अभी देखो और एक चीज़ हमेशा याद रखना ये मैं बताएं इसकी अच्छी एक नहीं होती है। अपने एक्सपीरियंस से अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो अगर आप इससे प्रॉफिट कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करो सबका अपना अपना एक व्यू होता है देखने का और अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है तो जो चीज़ें मेरे पे लग रहा है कि मेरे को उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा ही नहीं अगर आपको हो रहा तो आप उसको कंटिन्यू करो ठीक है अभी यहाँ पे हम लोगों के ये असेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न है अब असेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न किस तरीके से होगा जो हमारा रजिस्टेंस है ना ये हमारा सेम होगा मतलब ये स्टेबल होगा ये ना ऊपर होगा ये ना नीचे होगा ये हमारा स्टेबल होगा लेकिन यहाँ से क्या होगा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऊपर की तरफ जाएगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और मार्केट क्या है इसके बीच में घूमेगा ठीक है नीचे आया फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस लेके नीचे फिर ये अपने प्रीवियस ब्रेक लो को ब्रेक डाउन नहीं करेगा अब ये कंटिन्यूसली अपना हाइयर हाई high बना रहा है ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ से ये यह कंटिन्यूसली क्या हो रहा है अपना लोअर हाई बना रहा तो यहाँ से जब रेजिस्टेंस मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा इसको रिटेस्ट करेगा फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न ओके इसका एग्जाम्पल में अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ सारे का एग्जाम्पल है पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न है तो असेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न आई होप आप लोगों को समझ में आ गया अभी मैं एक एक करके सब आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ उसके बाद ये हमारा क्या ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न अब डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न असेंडिंग का ठीक उल्टा होगा यहाँ पे सपोर्ट स्टेबल होगा और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा और मार्केट इसके बीच में घूमेगा और जैसे मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा रिटेस्ट करेगा फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा अब इसमें टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लो और जो हमारा ट्रेंड लाइन से स्टार्ट हुआ इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट होने वाला है अभी बस आप देखोगे ये दिखता है कैसा है इसका एग्जाम्पल चार्ट पे दिखाता हूँ ये हमारा डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न है जहाँ पे हमारा सपोर्ट जो है वो स्टेबल रहेगा लेकिन ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा ठीक है तो ये हमारा था डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न उसके बाद है हमारा सिमेट्रिकल ट्रेंगल चार्ट पैटर्न अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये भी ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई भी लाइन स्टेबल नहीं होंगे अब इसके बीच में मार्केट घूमेगा अब जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा मार्केट उस तरफ जाएगा अगर ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा अगर वहां पर मार्केट सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर रहा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट का तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न इसमें टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे यहां से लेकर इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा या नीचे की तरफ हमारा टारगेट होगा अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तो ठीक है अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है रेक्टेंगल जो कि मैंने आपको बताया इसके भी दो टाइप्स होते हैं एक बुलिस रेक्टेंगल और एक बेरिस रेक्टेंगल अब इसको नाम दे दिया गया है रेक्टेंगल लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी पास्ट में ये सारी चीज़ें सीख रखा है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलेट कर रहा है ये रजिस्टेंस है रजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे डिटेस्ट करे ऊपर का ट्रेड लेंगे अब यहाँ पे इसको चार्ट पैटर्न का नाम दे दो या आप कुछ भी नाम दे दो आप पे डिपेंड करता है लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो है वो यही है अब अगर इस चार्ट पैटर्न को हम नहीं सीखें हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये रेजिस्टेंस है ना क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है और जैसे मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर का ट्रेड लेंगे तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप चार्ट पैटर्न बोलो या सपोर्ट रजिस्टेंस बोलो अब मान लेते हैं देखो यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ से ऊपर गया तो ये हमारे लिए क्या सपोर्ट चौथी बार में मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया अब रिटेस्ट पे हम किधर का एंट्री करेंगे नीचे का एंट्री टारगेट क्या कर सकते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हम अपना नीचे की तरफ टारगेट को सेट कर सकते हैं तो ये हमारा था बुलिस रेक्टेंगल और बेरिस रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न ठीक है अभी ये सारे का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए ठीक है बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने कोई कोई चार्ट पैटर्न लगा रखा है अब देखते हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न पे कौन सा हम लोगों का यहाँ पे मिलता है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लगा रखा हूँ तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रैक करेंगे सारे चार्ट पैटर्न्स को ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न्स वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस है रजिस्टेंस रिटेस्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा ये हमारे लिए सपोर्ट है यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है अगर आपको थोड़ा सा अभी समझ में आया होगा रीड करने आपको आया होगा तो यहाँ पे दो जगह डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है अब कैसे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाए इसको आप रीड करना सीखो देखो ध्यान से समझ में आना चाहिए सारी चीजें मार्केट यहाँ से नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ये हमारा क्या है डबल बॉटम ये हमारा नेकलाइन मार्केट इसका ब्रेकआउट किया इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मार्केट ने ऊपर टारगेट दे दिया तो ये हमारा डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न कंप्लीट ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई ये मार्केट पहला बॉटम बनाया फिर ऊपर गया ये, ये मार्केट का नेकलाइन अगेन नीचे की तरफ आया ये दूसरा बॉटम फिर अगेन नेकलाइन का मार्केट ब्रेकआउट किया और यहाँ से जो इसका दूसरा टारगेट है वो भी मार्केट ने यहाँ पे दे दिया तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है अभी देखोगे तो मार्केट दोनों चार्ट पैटर्न का टारगेट दे दिया ठीक है तो ये हमारा था डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न लग रहा है अब यहाँ पे भी देखेंगे तो कोई चार्ट पैटर्न नहीं है सिंपल हमारा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो मार्केट है और मार्केट उस लेवल का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उस हिसाब से चल रहा है ब्रिटानिया में देखते हैं इसमें कोई चार्ट पैटर्न नहीं है सिंपल साफे बना चाहिए वेदांता में देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे है इसको चेंज करता हूँ जो इसका ब्रेकडाउन कर रहा है यहाँ पे कोई हार्मोनिक पैटर्न लगा हुआ है इसको रहने देते हैं आर बी एल बैंक में सपोर्ट रजिस्टेंस होगा सिर्फ ठीक है अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग को ब्रेकआउट का रूल्स नहीं पता है अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया अब दूसरा कैंडल थोड़ा भी स्ट्रांग नहीं है दूसरा कैंडल यहाँ पे क्या है बहुत स्ट्रांग बेरिस कैंडल है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे देखो अगर ट्रेड में एंट्री भी करोगे तो ये स्टॉप लॉस को हिट कर देगा अभी ये अगर वापस नीचे आता है एट्टी एट के लेवल से फिर यहाँ से ये घूम सकता है तो बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और यहाँ पे 88 के लेवल के पास इम्बैलेंस एरिया क्रिएटेड है तो हो सकता है इसको फुलफिल करके फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाए वीकली टाइम फ्रेम पे ठीक है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोगों को बाकी के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको भी फॉलो करना है डी मार्ट में देखते हैं क्या चार्ट पैटर्न लगा हुआ है और यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न लगा हुआ है एक बार देखते हैं हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम पे जस्ट अ सेकेंड ओके okay, यहाँ पे ये यह जो चार्ट पैटर्न है ये हमारा कौन सा अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके बताया ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ठीक है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है यहाँ पे इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अब इसको यहाँ से रिवर्स होना चाहिए ऊपर की साइड लेकिन जिस जैसा ये कैंडल का बिहेवियर है इसको देख के लगता नहीं है कि ये घूमेगा बट हायर चांसेस है कि अगर यहाँ पे कोई इसका स्टॉक का थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव न्यूज आया या कुछ भी ऐसा हुआ तो ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा ये इसका सेकेंड टारगेट होगा क्योंकि जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसके इस प्रॉपर रूल को मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का क्लोजिंग भी दिया अब ये यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न है ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप क्या है सपोर्ट क्या है स्टेबल है लेकिन ये हमारा कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग को बस यहाँ पे ये यह समझना है कि जैसे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया इसको रिटेस्ट किया तो अभी यहाँ पे ये यह ऊपर की तरफ जा सकता है अब यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे प्लान करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फेबोनाची का कॉन्सेप्ट बताता हूँ अगर मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं अब गोल्डन जोन कैसे मार्क करते हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ बट हम लोग फेबोनाची में उसको और अच्छे से सीखेंगे बट अभी बस यहाँ पे समझो कि जैसे अगर मैं यहाँ पे फेबोनाची लगाया डे से हाई तक में तो हो सकता है मार्केट यहां पे क्या करेगा इस सिक्सटी वन परसेंट के लेवल को टच करे और फिर यहाँ से रिवर्स हो तो अभी ये देखा जाए तो ये बाइंग जोन में ही है अपने गोल्डन जोन में हाइयर चांसेस है से कि यहां से ये क्या होगा ऊपर की साइड रिवर्स हो जाएगा ठीक है ये हमारा था डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्टन और दूसरा चार्ट पैटर्न देखते हैं सन फार्मा हाँ ये चार्ट मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था अगर किसी को याद है या नहीं याद है आई डोंट नो किसी को याद है तो आप लोग बताना मैंने आप लोगों को ग्रुप में लिखा था कि जैसे यह मार्केट 1200 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा ना फिर ये कंटिन्यूसली रॉकेट हो जाएगा अभी देखो 1200 का ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे 1326 के पॉइंट पे चला गया मतलब 126 पॉइंट ये अभी आपको दे दिया है मैंने आपको ग्रुप में देखा था भेजा भी था ये सन फार्मा का चार्ट किसी को याद होगा तो अच्छी बात है नहीं याद है तो आप लोग पास्ट में जाकर देखना मैंने भेजा था कि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा किसी स्टॉक किसी ने बाई किया होगा तो 100 पॉइंट उसको इजीली मिल गया होगा नहीं किया तो कोई बात नहीं है रिटेस्ट पे फिर से कर लेना ये हमारा क्या है अशोक लीलैंड का चार्ट है ये भी अभी रिटेस्ट पे है ये भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है दीपक नाइट्रेट को देखते हैं देखो अभी ये क्या है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है और ये अभी अपने टारगेट के इधर जा रहा है मतलब इसका जो टारगेट है वो इसको अभी ये टारगेट तो अपना देने वाला है क्योंकि अब इस चार्ट को देखो यहाँ पे सपोर्ट क्या है स्टेबल है रेजिस्टेंस क्या है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से मार्केट बार बार रजिस्टेंस ले रहा है मार्केट ने इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दिया इस लेवल को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद यह भी अपने टारगेट के पास जा रहा है अप्रोक्स वन थाउजेंड टेन पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है और उसमें से मार्केट ने अभी लगभग चार सौ पाँच सौ पॉइंट का टारगेट दे दिया है देखते हैं कितने पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने टारगेट दिया है अगर आपने रिटेस्ट पर भी एंट्री किया होगा तो यहाँ पे आपको फाइव पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला है तो इस तरीके से आप चार्ट पेट में भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी टाइम पहले मार्क करके रखा है और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट अपने टारगेट की तरफ जा रहा है ठीक है एक बार हीरो मोटर को आपको देखते हैं पे क्या चल रहा है ठीक है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है इसको छोड़ ही देते हैं को छोरी देते हैं को छोड़ ही देते पे कुछ है हार्मोनिक आई डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये पी आरजेड जोन के अंदर एंटर था और अभी पी आरजेड जोन से अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो हार्मोनिक तो अभी तक आप लोगों ने सीखा नहीं है तो हार्मोनिक को अभी बताने का कोई मतलब नहीं बनता एल आई सी हाई सिंग में भी अभी हमारा यहाँ पे हारमोनिक पैटर्नस था उसके हिसाब से ये टारगेट दे दिया है इसको भी छोड़ते हैं वोल्टास इसमें क्या है ये भी अपने अभी रिवर्सल पॉइंट के पास है हो सकता है तो ये यहाँ से नीचे की साइड रिवर्स करेगा बट अभी हम लोग चार्ट पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे ये स्टॉक भी अभी देखा जाए तो ब्रेकआउट के बाद ही ये बुलिस होगा ठीक है अभी इसको रहने देते हैं मोतीलाल ओसवाल में कोई चार्ट पैटर्न बना है क्या हाँ देखो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना मैंने आप लोगों को सिखाया एक चार्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न अभी देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का एक प्रॉपर एग्जांपल मिला जो मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क करके रखा हुआ था और इसमें मार्केट ने अप्रोस आधा टारगेट दे दिया देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया ऊपर गया मार्केट नीचे आया अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया इसका ब्रेकआउट किया एक इनसाइड कैंडल बनाया और इनसाइड कैंडल का मार्केट ने हाई निकाल के फिर यहाँ से अपने टारगेट के पास गया ये यह ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है जो कि हमारा टारगेट है और ये टारगेट क्यों मार्क किया ये इस पूरे इम्पल्स का फिर का नाचेगा एट्टी था इसलिए मैंने इसको मार्क किया तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं सीमेट्रिकल ट्रेंगल मैंने आप लोग को सिखाया था अभी एक सेकेंड ये देखो ये रहा ना हमारा सिमेट्रिकल ट्रैंगल चार्ट पैटर्न जहाँ रेजिस्टेंस भी नीचे आ रहा है सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा मैंने बोला उस तरफ का ट्रेड लेना है अभी यहाँ पे मार्केट ने इस तरफ का ब्रेकआउट दिया एक रीटेस्ट पे इनसाइड कैंडल हाई ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे टारगेट डिसाइड करने का सिंपल सा लॉजिक है ये जो हमारा पहला लो है इसके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा टारगेट होगा आठ पॉइंट का टारगेट है तो यहाँ पे हम लोग इसके ब्रेकआउट पर रख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या अपकमिंग टारगेट है लेकिन ये टारगेट अब हमारा तब आएगा जब मार्केट इस हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा अभी यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ पे वो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करें रिटेस्ट करें फिर आप इस टारगेट के लिए इस स्टॉक को वापस से बाई कीजिए ठीक है लेकिन मैंने आपको पहले बताया एक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर आपने बीच में यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया है आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया और चार्ट पटन के हिसाब से ये कर लो। तो पास्ट में क्या हुआ इधर से मार्केट फॉल कर गया तो अभी एक्टली exactly मार्केट उसी लेवल के पास है तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को वापस से रिटेस्ट करे क्योंकि पहले ये भी रजिस्टेंस था यहां से मार्केट फॉल किया अभी इसका ब्रेकआउट किया तो इसको रिटेस्ट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा फिर यहाँ पे जरूरत नहीं है प्रॉफिट बुक करने का क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मार्केट कंटिन्यूसली अपने अपट्रेंड में रहेगा तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो चार्ट पैटर्न को समझो कि ये कब क्या कर सकता है कहाँ पे आपको ट्रैप करेगा अभी यहाँ पे क्या कर सकता है ट्रैप कैसे करेगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा ना अब सबको लगेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे फिर दूसरे बार ये फॉल कर जाएगा तो जो एस डाले होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और जो फियर वाले लोग होंगे वो डर से यहाँ पे एग्जिट कर देंगे यहाँ तक और यहाँ पे जो नए जो समझदार बायर होंगे वो यहाँ पे बाइंग करेंगे अपने इस टारगेट के लिए तो आप अगर स्टॉक में भी ट्रेड करते हो तो आपको बस चार्ट को अच्छे से समझना है और सामने वाला क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में भी सोचना है आप क्या सोचते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला यहाँ पे क्या सोच रहा है उसके बारे में सोचो ठीक है तो वो ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा क्योंकि मान लो आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ये सोचो कि अगर कोई दूसरा बंदा होगा वो यहाँ पे सोच रहा होगा नीचे जाएगा अगर वो यहाँ से नीचे जाने का सोच रहा है तो वो क्यों सोच रहा होगा तो जब आप वो सारी चीजें समझोगे ना आपको लगेगा नहीं यार मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना इस लाल कैंडल को जो भी देख के सोच रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा वो ट्रैप होगा उसको लॉस होगा और मैं यहाँ से ऊपर का ट्रेड लूंगा मुझे प्रॉफिट होगा ठीक एक यहाँ पे आप परफेक्ट, पे आप सही हो गए हो, यार 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 तो नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है फर्स्ट लेक्चर में पास्ट प्राइस वर्ष फ्यूचर प्राइस में कि अगर एक बार इस लेवल से मार्केट नीचे आए तो इधर से मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा याद रखना है आपको हायर प्रोबेबिलिटी के थोड़ा नीचे आए ठीक है कोई बात नहीं है यहाँ से अगर मार्केट मूव कर जाए ना दो पॉइंट तो उसे घबराना नहीं है लेकिन एक दो बार होगा वैसा दस में से सात आठ बार क्या होगा कि मार्केट आएगा थोड़ा नीचे यहाँ पे रीटेस्ट करेगा इधर कुछ लोगों को ट्रैप करेगा सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको बस थोड़े कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को फॉलो करना है तब जाकर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली exactly कौन चीजें कहाँ पे वर्क कर रही है तो ये हमारा था सीमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न और कुछ आप लोग क्या करो ना अपना वॉच लिस्ट बना के रखो कुछ अच्छे स्टॉक्स को चूज़ उस करो उसमें क्या करो वॉच लिस्ट बनाओ उसका चार्ट एनालिसिस करो और इसमें रखो जब आपको लगता है कि हाँ अभी इसमें अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप उसको बाई करो जैसे कुछ स्टॉक्स है जो मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ और हर बैच में ये सेम स्टॉक्स में दिखाता हूँ उसका क्या एक होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो सेम आप लोग भी अपना एक बढ़िया सा वॉच लिस्ट बना के रखो और उसमें सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करो ठीक है आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी समझ में आया सब लोगों को यस सर नो सर सब लोगों को क्लियर हुआ आवाज एक लोगों का आया क्लास में अप्रोक्स फोर्टी फाइव लोग हैं। क्लियर है सर का कोई भी डाउट क्लियर क्लियर का कोई भी डाउट sure. नहीं डाउट आ... तो कोई नहीं लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था बैटल कौन सा रहेगा चार्ट वन मंथ का या वन डे का क्या कह रहे हो आप रहा हूँ लगाना बेटर रहेगा या वन डे का डिपेंड करता है ना आप पे कि आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम लगाओ वीकली मंथली लेकिन अगर आप ज़्यादा अपना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होल्ड करना चाहते हो चार दिन पाँच दिन तो वहाँ पे आप क्या करो डेली आवर्डली पे ट्रेड करो या वीकली डेली पे ट्रेड करो ठीक है तो और किन का कोई डाउट सर क्या ओके सर सब लोगों को क्लियर है यस सर हेलो सर हम्म बोलिए ना आपने जो सन फार्मा में अभी जो चार्ट देखा था सन फार्मा में वो कौन सा चार्ट था और कैसे लगाते एक बार बताइए ना सन फार्मा बाउल जैसा चार्ट सर कब का नहीं तरह से होता है हम्म hmm, तो, ये जेस पार्क था हम्म सन फार्मा का चार्ट नहीं था hmm. तो म्यूट कर लो आवाज नहीं आना चाहिए प्लीज यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा आ, एक सेकेंड कहाँ पे है ये टूल यहाँ पे मिलेगा आपको आर्क वाला जो टूल है ना इस पे क्लिक करोगे तो फिर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो उसको यहाँ से क्या करो इस तरफ ले जाओ और इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इसको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बोलते हैं ये कप बना ये छोटा सा हैंडल बना फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया ठीक है समझ आया क्या सिमेट्रिकल ट्राइविंग

तो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम पे करो और उस हिसाब से आप अपने टाइम फ्रेम को चूज कर लो मैं आपको बस ये बताएं कि पांच मिनट पंद्रह मिनट पे उस चार्ट पैटर्न की उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती जितनी अच्छी एक्यूरेसी डेली और वीकली और मंथली पे होती है ठीक है okay. ठीक है ओके नेक्स्ट किन कोई डाउट बैंक में पार्थ? पार्थ? बैंक में एक मिनट देख लेता हूं मैं इंडस बैंक किधर गया यार वो तो मेरे लिस्ट में ही नहीं है आपने कहां से देख लिया किसकी बात कर रहे हो आप फर्स्ट बैंक इंडस इंड बैंक अब दिखाने बोल दो हो आप ऐसे बोलो कि मुझे इंडस बैंक का चार्ट देखना है इंडस बैंक का चार्ट आज ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया था हाँ तो बस तनवे जी ने ग्रुप में भेज दिया ना तो आप उस चार्ट को देख लो उनकी चार्ट परफेक्ट होती है ठीक है वो चार्ट जो है ना वो बढ़िया है सुजलोन सुजलोन रह दो यार है न, का। देख लो काफी टाइम पहले ही दिखाया था पे चल रहा है इसमें क्या देखा हूं? ये तो अभी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है इसमें कुछ मतलब नहीं बनता टारगेट क्या रहेगा अभी इसका अपकमिंग टारगेट जो है ना यही लेवल है 131 लेकिन वो लेवल आएगा कैसे इसको थोड़े डिटेस्ट करें फिर ऐसे जाएगा ये बोलना बहुत आसान है लेकिन इस पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है भाई क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसको मैंने बाईस रुपये पे बाई किया था ट्वेंटी टू रुपीज़ पर मैंने इसको बाई किया था सॉरी ट्वेंटी टू रुपीज़ पर और ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तक आई थिंक इसको मैंने बेच दिया और मेरे पास पता है क्वान्टिटी कितना था बाईस सौ था लेकिन बाईस पे नहीं बेचाई में कुछ ही रुपीज के बाद मैंने आधा क्वांटिटी फिर थोड़े बाद में बेच दिया। अगर उसको होल्ड करता तो कितने पैसे होते हैं, पते नहीं होते हैं तो ये बोलना बहुत आसान है कीतालीस हाँ, पे बाई कर लिया मान लेते हैं चालीस पे आपने बाई कर लिया और एक सौ इकतीस तक आप होल्ड करें ये चालीस से पैतालीस होगा आपके पास हजार क्वांटिटी रहेगा यहाँ पे आप एग्जिट मार दोगे कंफर्म है तो ये थोड़ा है सिक्स पे, पे, पे आप इसको बाई हो। क्या बोल दो आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं सर प्रॉफिट को देखेंगे ना सर तो उतना प्रॉफिट जब दिमाग घूम जाएगा सर वो तो बोलेगा कि एक दिन मार दो नहीं तो नीचे चला जाएगा ऐसा होता है वही होता है वो सबके साथ होता है भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता वो नेचुरल चीजें हैं जिस पे हम लोगों का कंट्रोल है हम लोग उस पर काम करते हैं जो नहीं हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उस पर दिमाग ही नहीं लगाना जो मिल गया रख लो बात तो खत्म सर तो तो आपको बोला था ना टेन परसेंट पे मेरा सर वो नीचे जा जाता है। मैं टेन परसेंट पे रखता ही नहीं हूँ जो भी स्विंग कर लू जो भी टेन परसेंट आ गया पूरा पोजिशन काट देता हूँ दूसरा ले लेता वो नया सेटअप पर अरे कोई टेंशन ही नहीं है ना बस पैसा आना चाहिए घर से नहीं जाना चाहिए वो दस परसेंट आए वो पाँच परसेंट आए वो आठ परसेंट आए वो बीस परसेंट आए फर्क ही नहीं पड़ता है बस आना चाहिए जाना नहीं चाहिए ये सोच के अपन को ट्रेड करना है पाँच सौ रुपया आए ना बहुत है पाँच सौ रुपये गए तो नहीं ना बस कोई बात नहीं है ठीक है क्लियर है सब लोगों को ठीक yes. yes. है कि है कोई डाउट

ठीक है नेक्स्ट के नहीं कोई डाउट है नो no. कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों का सर मेरा एक सवाल है, है।, है, है।, है। बोलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितने टाइम का चार्ट रहना चाहिए निफ्टी लेने के लिए इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहे हो तो आप वहां पे पांच मिनट पंद्रह मिनट का चार्ट देखो बस वही अच्छा है ना हम्म वही अच्छा है ठीक है नेक्स्ट का क्या डाउट सर, है सर एक सवाल था मेरा बोलिए एस जे वी एन का एक बार चार्ट ओपन किया गया किसका बताइए अभी इसमें वन डे टाइम फ्रेम में ना सर बुलिश बता रहा है ठीक ठीक है, है, और वन आवर टाइम फ्रेम में बेरिस बता रहा है उसका। और उसके बाद में फिफ्टीन टाइम फ्रेम में साइडवेज बता रहा है। आप पहले मुझे ये, ये बताओ ये... एक सेकेंड आप पहले मुझे ये बताओ कि आवर् टाइम फ्रेम पे ये बेरिस कैसे है मैंने आपको ट्रेंड पकड़ने का तरीका बताया है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया या मार्केट, market... मार्केट, मार्केट ने हाई बनाया या मार्केट ने लो बनाया फिर अगेन मार्केट नीचे या मार्केट म्यूट कर लो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट करो फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर गया ये मार्केट ने हाई बनाया ये मार्केट ने लो बनाया अब ये लो अपने प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन नहीं किया यहीं से रिवर्स हो गया मार्केट में कौन बाय ज़्यादा है बायर ज़्यादा है फिर आगे मार्केट ने क्या किया अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया नीचे जब आया तो ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया यहाँ से रिवर्स तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी तो मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा तो ये आवरली ट्रेंड में भी हमारा बुलिस ही है और डेली में भी, भी ये बुलिस ही है और आपको देख भी समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ जा रहा तो ये बुलिस है अगर यहाँ पे बियरिस तब होता जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया यह मार्केट ने हाई बनाया यह मार्केट ने लो बनाया और जब ये नीचे आकर इस लो का ब्रेक डाउन कर देता तब हम कहते हैं कि ये मार्केट आवरली टाइम फ्रेम पे बेयरिश स्टैंड में बट ऐसा हम लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा तो पहले आप इसको क्लियर करो कि ये आवरली में भी बुलिस है ये क्लियर हुआ आपको यस सर ठीक है अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अब आपका क्या डाउट था आगे अभी 15 मिनट पे दिख रहा सर 15 मिनट ठीक है अभी बताऊं 15 मिनट पे 15 मिनट पे साइडवेज बता रहा है ना सर फिफ्टीन मिनट पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो साइड है लेकिन हम लोग ये चार दिन पांच दिन का कैंडल देखकर ट्रेंड नहीं पहचानते हैं ट्रेंड हम लोग थोड़ा पास्ट प्राइस को देखेंगे प्रॉपर कि एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा तो पास्ट का प्राइस अब देखेंगे तो ये ट्रेंड अभी हमारा अप है डेली आवरली 15 मिनट सब पे ये हमारा ट्रेंड अभी दिखा रहा है तो जब कभी भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले नीचे डाउन साइड का तो आप वहाँ पे बाइंग करोगे अभी हम लोगों को पता है क्या पता है कि आवली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक क्या है स्ट्रॉन्ग बुलिस है तो आप यहाँ पे फेबोनाची लगाएं मार्केट 88 लेवल को टच किया यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना ग्रीन क्लोजिंग यहाँ पे आपको बाइंग कर लेना है स्टॉक को क्योंकि ये 88 का लेवल एज अ स्ट्रॉग सपोर्ट काम करता है तो जब ये गिरे आपको दिखे वहाँ पे फेबोनाची आप उसको बाई कर सकते हो अभी मान लो कि ये हमारा क्या हुआ नीचे की साइड आ रहा है ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे कैसे बाइंग करेंगे अभी यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा टूल है फेबोनाची को लगाने का अब इस इंपल्स में फेबोनाची लगाओ एक सेकेंड सिलेक्ट नहीं हुआ अभी वापस है अभी क्या करो आप इस इम्पल्स में फेबर लगाओ अभी देखो ये गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने वाला है 50 के लेवल को टच किया और यहां से घूम गया ऊपर की तरफ तो ये हमारा एक सौ थारोन पे है जब ये गोल्डन जोन के अंदर इंटर करे फिर आप इसको बाई कर सकते हो या एट्टी एट के लेवल के पास है तो आप इसको बाई करो क्योंकि ऑलरेडी पता है डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बुरी है तो ऐसे स्टॉक्स जब कभी भी गिरते हैं ना तो उधर डरना नहीं है उधर अपने को बाइंग करना है नेक्स्ट मूव के लिए क्लियर हुआ अभी यस सर तो इस तरीके से आपको अपना ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे इसको आप देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिस है नीचे गिर ही नहीं रहा है ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है कब से दो के स्टार्टिंग से ही मतलब मार्च से जो स्टार्ट हुआ है अभी मार्च आने वाला है दो महीने के बाद एक साल से ये स्ट्रॉन्ग बुलिस है तो जब कभी भी गिरे तो आप उसको बाई कर सकते हो ठीक है वो ही थोड़ा मुझे कंफ्यूज होता था बीच बीच में कि आवरली वन डे और मिनट आप ट्रेंड गलत तरीके से पहचान रहे हो ना वही कंफ्यूजन है आपका अच्छा ठीक है अब ट्रेंड को थोड़ा सा वीडियो देखो ट्रेंड वाला जाकर ऑलरेडी अपलोडेड है तब जाकर आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होगी ठीक है ओके सर थैंक यू ओके गाइस तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग सीखेंगे इंटराडेट कल हम लोगों का क्या है आ, अभी हम लोगों ने चार्ट पैटर्न सीखा ना कल हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला स्विंग ट्रेडिंग पर ठीक है तो कल हम लोग सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कैसे स्विंग ट्रेडिंग पर ट्रेड करना है सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गुड नाइट ओके सर